जब प्लेन से आप आते हैं तो आपको ये ऊपर से भी आपको ये दिखाई देता है, ये बहुत बड़ा एरिया में कवर किया हुआ है, तो इसके आसपास एक छोटा पहाड़ के ऊपर है, तो ये पूरा आपको प्लेन से भी दिखाई देता है, इसलिए हम पीटी व्यू। साइड में हॉस्पिटल है, ये शहीद गंगालाल नेशनल हॉस्पिटल, बेसिकली ये हार्ट का हॉस्पिटल है। हाँ, हार्ट का ही है, मतलब बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, मतलब अच्छा ऑपरेशन होता है, ये हार्ट का हॉस्पिटल है, शहीद गंगालाल हॉस्पिटल। सो आप देख सकते हैं बहुत सारा बाइक पार्क लगा हुआ है, ये इंट्रांस है, आप ऊपर शायद बोर्ड देख सकते हो, शहीद गंगालाल हॉस्पिटल। हम लोग ऑन द वे टू स्वयंभू, वहाँ भी एक बहुत स्तूपा है, तो हम लोग उधर जा रहे हैं। किंग रोड में आ गए हैं, तो इधर से ज़्यादा नहीं, हार्डली ये चक्रपथ एरिया है, रिंग तो रिंग रोड है, लेकिन रिंग रोड का ये चक्रपथ एरिया है। सो रिंग रोड जो है आपको काठमांडू सिटी का साउंड ऑलमोस्ट कवर करता है, रिंग रोड एरिया है। इधर का भी व्यू देखिए, मैं भी टैक्सी में, तो टैक्सी से बाहर का ही दिखा रहा हूँ, टैक्सी के बाहर का नहीं, मतलब टैक्सी से बाहर का भी दिखा रहा हूँ, लेकिन टैक्सी के अंदर रियली प्रीटी। वेदर भी बहुत अच्छा है, ऑसम प्लेजेंट वेदर। आज मैं एक और इंटरेस्टिंग इन इट्स रियली ब्यूटीफुल प्लेस मैं विजिट करने जा रहा हूँ, और उसका नाम है स्वयंभू नाथ स्तूपा, स्वयंभू नाथ टेम्पल भी बोला जाता है। तो ये जो स्तूपा है वो मतलब नेपाली में इसे गुम्बा बोला जाता है, तो ये बहुत नेपाल का सबसे पुराना स्तूपा है, ये मतलब वो स्तूपा के अंदर बहुत सारा सेरिन और मोनेस्ट्रीज है, मतलब स्तूपा जो स्वयंभू नाथ स्तूपा के जो प्रीमिसेस है उसके अंदर, और ये लगभग आपको 460 एडी में बना है, और ये इसे बनाने वाला जो था रंगा किंग मानव देवा जो है वो से 13 सेंचुरी में इसे बनाया था, और ये जो स्तूपा है स्वयंभूनाथ स्तूपा, ये बुद्धिज्म का एक नेपाल में सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। ये स्वयंभूनाथ स्तूपा आपके किधर से जाएंगे, कैसे जाएंगे, मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। इस डिपेंड ऑन द लोकेलिटी, आप किस एरिया में आप रुके हुए हैं, रह रहे हैं। यदि आप कलंकी, मतलब जो कलंकी एरिया में है, तो आप रिंग रोड ले सकते हैं, रिंग रोड से सीधे आप जाइएगा तो वो मतलब सीता पहला चौक आएगा, और उस चौक को क्रॉस करने के बाद आपको स्वयंभूनाथ का जो स्तूपा चौक है वो चौक आएगा। और यदि आप एयरपोर्ट साइड्स में रहते हैं या अदर साइड में रहते हैं, तो या तो आप रिंग रोड ही लीजिए, सबसे इजी रहता है। तो यदि एयरपोर्ट साइड में रहते हैं तो आप उधर से आप क्रॉस कीजिएगा, तो पशुपतिनाथ टेम्पल और आपको चक्रपथ आएगा, और चक्रपथ से सीधे आप आइएगा तो आपको जो है लेफ्ट साइड में पड़ेगा। यदि आप कलंकी से आते हैं तो आपको राइट साइड में पड़ेगा, और एयरपोर्ट साइड से आते हैं तो लेफ्ट साइड में पड़ेगा। सो मेन जो रिंग रोड है उसके साइड से इसका इंट्रांस दिया हुआ है, तो जो मेन रोड से इंट्रांस है वो इट्स वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब जो जो सीढ़ी बना हुआ है बहुत खड़ा सीढ़ी है, बहुत इट्स वेरी स्ट्रिक्ट, तो आप उधर से भी चढ़ सकते हैं, तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, सो 150 कितने वो स्टेयर्स है। यदि आप टैक्सी या प्राइवेट गाड़ी या बाइक से आते हैं, तो अब उसके स्तूपा के आप बैक साइड से जाइए, बैक साइड से जाइएगा तो आपको ऑलमोस्ट ऊपर तक पहुंच जाएगा, जो 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 सीढ़ी चढ़ना होता है वो कम सीढ़ी रहेगी, उसमें भी आपको सीढ़ी मिलेगा लेकिन थोड़ा
कंफर्टेबल रहेगा, ज़्यादा उतना स्टिप मतलब जो खड़ा सीढ़ी नहीं मिलेगा आपको। ओके, आई मीन सराउंडेड छोटा छोटा क्लस्टर डेवलप हुआ है जो अभी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो राइट साइड में वो एरिया रिसेंटली डेवलप हुआ है, इट्स वेरी बिग एरिया, सो कैन से स्मॉल स्मॉल क्लस्टर। सो उधर भी बहुत सारा रेसिडेंशियल हो गया, मार्केट हो गया, तो पब्लिक लोग उधर ही रह जाता है, तो जिनकी काम पड़ता है तो उन्हें सिटी में आता है। Kathmandu Valley is it's not very small, it's a big valley. City is small. Yes, so most of the area is very big area में cover हुआ है। एक कह सकते हैं mountain, mountain तो नहीं, एक पहाड़ के ऊपर है, तो उसका ये surrounded है, circle है, तो हम लोग आप ये circle से जो अभी ring road था उसके अंदर से हम लोग घुसे हैं, और ये circle से हम लोग अभी ऊपर ही जाएंगे। ऑलमोस्ट मतलब 80% कवर हो जाएगा, मतलब हम लोग ऊपर ही चला जाएंगे। तो मेन रोड से भी जा सकते हैं, उधर से आपको बहुत सारा वो सीढ़ी मिल जाता है, स्टेयर मिलता है, तो चढ़ने के लिए आप जा सकते हैं। इधर तो ये स्तूपा का ये सब है, स्वयंभू स्तूपा का ये रोड है, हम लोग ऑलमोस्ट राउंड ले चुके हैं, आप ऊपर की तरफ जाएंगे। अभी तो अंदर से ही शूट कर रहा हूँ, तो पता नहीं वीडियो कैसा आएगा। लेफ्ट साइड में आपका आर्मी हॉस्पिटल है, जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, बस 100 मीटर 200 में आर्मी हॉस्पिटल है। अब हम लोग आप स्वयं का ऊपर जाएंगे। देखिए स्वयंभू आ गए हैं, स्वयंभू आ गए हैं, ये आप देख सकते हैं, इधर से एंट्रेंस है, ये स्वयंभू का एरिया है। तो ये आपको इधर पार्किंग है, पार्किंग में इधर आप देखिए, आपको जैसे पीछे मैंने दिखाया ये बुद्धिस्ट का वो है, ये शांति है, सभी लोग इसको पता नहीं क्वाइन फेंकते हैं, द रियलिटी क्या है मुझे नहीं पता। सो पीपल आई यूज टू विश, देयर विश यूज टू बी फुलफिल, दे यूज टू थ्रो द क्वाइन, एंड इफ द क्वाइन स्टक ऑन द बुद्धस लेग, सो दे फील, आई मीन देयर विश इज गोइंग टू फुलफिल, सो आई एम नॉट श्योर, सो व्हाट द रीजन ऑफ दैट। सभी लोग पैसा फेंक रहे हैं।
जंगल है इधर तो, ये तो पहाड़ के ऊपर बना हुआ है तो जंगल ही जंगल रहेगा, ये जंगल ही जंगल है इधर तो। अभी ऊपर चलेंगे, ऊपर आपको बहुत सारा वो स्टेयर है तो ऊपर विल वॉक फॉर मी है। बूंदाबूंदी हो रही है आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी टैक्सी के अंदर थे तो बहुत सारा बारिश ही हो रही थी, तो बाहर भी आपको अभी बारिश ही हो रही है ऑलमोस्ट। ये स्तूपा का थोड़ा डीप हिस्ट्री में बता देता हूँ, तो थोड़ा सा तो मैंने बताया। और ये जो मतलब जो स्तूपा है, मतलब इसे क्यों शंभुनाथ स्तूपा बोला जाता है, एक्चुअली शंभुनाथ जिसका जो लिटरेरी मीनिंग है आपको क्या है कि मतलब सेल्फ एग्जिस्टेंस वन, मतलब खुद से ये मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है इस संसार में, तो इसलिए इसे सेल्फ स्वयंभु बंग बोला जाता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग थिंग्स है, ये जो शंभुनाथ स्तूपा है इसका दूसरा नाम जो मतलब सारा विजिटर ने इसे मंकी टेंपल के नाम दिया गया, मतलब बंदर का मंदिर कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारा बंदर है उस एरिया में। आप जब भी आइएगा तो अपना कुछ भी खाने पीने या कुछ भी ऐसा या अवेलेबल स्टफ है उसे अच्छी तरह से बैग में रखिए, क्योंकि बंदर जो है वो बैग लेके भी भाग जाता है। कहाँ से आए आप लोग? इंडिया। किस जगह से? एमपी से। किस जगह? एमपी शहडोल। शहडोल से? हाँ। आप कहाँ से? मैं तो दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। चलिए, हमारे इंडिया के ही आदमी बंदे लोग हैं ये लोग भी घूमने के लिए आए हुए हैं, तो चलिए अपने देश के ही आदमी हैं। अरे चलिए आप ऊपर चलता हूँ, ये आप देख सकते हैं बहुत सारा स्टेयर है। अभी यहाँ इंडिया से बहुत लोग आए हुए हैं, मैंने आपको दिखाया, सरदार जी लगते हैं एमपी से थे। ये जस्ट मूव अप नाउ आप। बहुत सारे सी सर के आए हैं अभी, विल गेट द मोर प्लेजेंट एंड ब्यूटीफुल व्यू वंस वी रीच द टॉप, सो विल शो यू द मोर व्यू ऑफ दिस। यू कैन फ्रॉम हियर यू कैन सी द ऑलमोस्ट वन पार्ट ऑफ द आई मीन द काठमांडू सिटी, सो लेट्स मूव, विल गो अप अगेन। सो still many history is remaining. And so the view, you can see that is the main part of the city. From here you can look so there you can find one white it was demolished on during the earthquake, so right now they build new one. Before earlier was mud and some I don't know some material they use, the all stuff material. So right now they build by the cement and concrete, so hoping one day we'll visit and we'll show you the there. From here aap dekh sakte hain, it's cover almost the city view from this side, so I will you can see, I'll show you the 360 angle from here.
This side is the main city. I mean, you can find the new road and other one. इधर जो है आपको और ये साइड आपको ये भी सिटी है तो मेजर मेजर आपको ये साइड मिल जाएगा सारा ऑल द बिजनेस हाउस ये सब आपको ये साइड में कवर होगा इस साइड में कवर होगा तो ये देख सकते हैं इज अमेजिंग इज रियली ब्यूटीफुल एंड देन टुडे वेदर इज आल्सो इज गुड नो हॉट धूप भी नहीं है देन सो इस पीटी को टेक द आई मीन द सो व्यू सो आई ट्राई डाउन डाउन यू कैन सी द सम फॉरेस्ट इधर से तो छोटा दिखाई दे रहा है तो आपको ये जो दोज आर द ट्री हैज वेरी लुक वेरी स्मॉल बट रियली इज अ बिग ट्री So because we on the top of maybe I don't know exactly maybe 200-300 meters or something. We'll try to cover other part. So one side almost, I mean this side almost show the all the city. So we'll go to the other side. मैं आपको दिखाता हूँ इधर से शैम्बू इस्तीफा है तो अर्थक्वेक में भी यहाँ कुछ नहीं हुआ था सो प्रिजर्व ड्यूरिंग द अर्थक्वेक ड्यूरिंग द अर्थक्वेक आल्सो इज सेफ बट द अदर पार्ट इट वाज डेमोलिश्ड इट फेल ऑन द बिल्डिंग So it's covered. आपको क्लोजअप दिखा रहा हूँ इसका ऑलमोस्ट इज प्रीटी वेदर इज क्वाइट प्लेजेंट आपको मेन स्तूपा का ये दिखा रहा हूँ ये आप देख सकते हैं ये कंप्लीट सिमिलर आई मीन डिज़ाइन यू कैन फाइंड इन मा इन बौद्ध सो देर आल्सो यू कैन फाइंड उधर भी आपको जो आँख पता नहीं ये वीडियो में आ रहा है कि नहीं उधर आपको आँख बना हुआ दिखेगा और ऑलमोस्ट द सिमिलर स्ट्रक्चर और नीचे जो इस तरह का जो डोम बना है तो सिमिलर ही है ये जो है आपको ये आपको ड्यूरिंग अर्थक्वेक ये गिर गया था तो न्यू बिल्ड किया है सो ये स्मॉल स्मॉल बुद्धिस का ये बना हुआ है वो जो ये दिया है वो दिया जलाते हैं ये दिया इधर ही मिलता है आप खरीद सकते हैं
आई डोंट नो हाउ मच, मे बी 20-30 एक साइज के अनुसार होता है। ये छोटा वाला है तो शायद 30 होगा। ये देख सकते हो, देयर इज अ समथिंग इज रिटन, आई डोंट नो एग्जैक्टली, सो मे बी सम चैंटिंग और समथिंग, सो पीपल यूज टू मेक अराउंड लाइक दिस, इस तरह से घुमाते हैं जो भी आते हैं। आई डोंट नो द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ द रीजन, मैंने ऐसा कोई कारण नहीं है, बस नेपाल में निकाले मैंने कौन सा फॉलो आप सही पता नहीं, देख सकते हैं सभी लोग इस तरह से आप घुमा सकते हैं, तो इस तरह ही घुमाते हैं। We'll try to cover all the parts. ये लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा का बहुत सारा क्या कह सकते हैं, इंकार्नेशन है, तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता इंकार्नेशन का। लॉर्ड बुद्धा का बहुत सारा इंकार्नेशन है। ये देखिए, ये शायद एवरी नॉट एवरी आई थिंक फ्यू ऑफ देम, एक इधर है एक शायद इधर होगा और फ्यू ऑफ देम लाइक दिस। Yes, pretty. ये नक्काशी बहुत अच्छा किया हुआ है, बहुत अच्छा से बनाया हुआ है। और इसमें ये दिया जलाते हैं, तो मुझे पता नहीं कब जलाता है, तो अभी ये कवर एक इधर सिन्नर बुद्धा का, ये शायद छोटा है, तो उनका कौन सा इनकार्नेशन है मुझे नहीं मालूम। आई एम नॉट स्टडी मच अबाउट दिस थिंग्स, सो विल गो द अदर पार्ट। ये एक इधर है, सो मुझे नहीं पता, ये ऑलमोस्ट आपको 50 meters और इसमें जो है इस तरह का नज़र आ जाता है। मेरा ये व्यू आपको दिखा दिया, अब बैक साइड देख सकते हैं, इस हेमू का इस्तीफा, इट्स ऑन, आई डोंट नो मेनी विद मेन दे कंस्ट्रक्ट। जब प्लेन से आप आते हैं तो आपको ये ऊपर से भी आपको ये दिखाई देता है, ये बहुत बड़ा एरिया में कवर किया हुआ है, तो इसके आसपास एक छोटा पहाड़ के ऊपर है, तो ये पूरा आपको प्लेन से भी दिखाया जाता है, इट्स रियली ऑन प्रीटी व्यू। सो हेलो गाइस, मैंने आपका ये बुद्धिस्ट स्तूपा जो स्वयंभू का मैंने कवर किया, यदि आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, विद थम्स अप दे, और जो इस चैनल को नए आप देख रहे हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आपका कुछ भी कॉमेंट सजेशन है, कुछ भी आप देखना चाहते हैं, तो अभी मैं नेपाल सीजन में हूँ, तो अभी नेपाल की टीम में, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके आप जो है कॉमेंट, आपका कुछ भी सजेशन एंड कॉमेंट है आप कॉमेंट डाल सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का आ रहा होगा, और साथ ही साथ आप जो है नोटिफिकेशन का बेल दबा दें, जिनसे क्या होगा कि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, और इंस्टाग्राम से क्या होगा कि आपको मेरा अपडेट जो है सारा मिलता रहेगा। तो चलिए आप मुझे विदा दें, टेक केयर, सबा खैर, खुदा हाफिज़, बाय बाय।